हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लॉसी गुंजेश पर। मैं हूँ गुंजेश, आप सभी के लिए DIYs लेके आती रहती हूँ। जो आपके लिए स्किन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है उसका है Day 3। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फेस स्क्रब, जिसे आप बॉडी स्क्रब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका पहला इंग्रेडिएंट जो है हमारा मसूर दाल। मसूर दाल आपके फेस के लिए बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है, आपके स्किन को वाइटन ब्राइटन टाइटन बना के रखता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा है ऑरेंज पील। ये मेरा घर का है, मतलब आप ऑरेंज जो खाते हैं ना उसके बाद में छिलके आप फेंक देते हैं, प्लीज़ उसको मत फेंका कीजिए। सन ड्राई करके आप स्टोर करके रख सकते हैं, और ये मैंने उसी का इस्तेमाल किया है, हमेशा मैं उसे स्टोर करके रखती हूँ, स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग होता है। नेक्स्ट हमारा है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आप सदियों से इस्तेमाल हो रही है आपके फेस के लिए, बहुत ही अमेजिंग काम करता है। ये क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, आपके चेहरे को बेदाग करने की क्षमता होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा बेसन। बेसन भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, अगर आप सोप यूज़ ना करके बेसन आप अपने फेस पर लगाते हैं ना तो बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी अगर आप चाहें तो स्क्रब कर सकते हैं, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले अगर ना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने स्किन ब्राइटन के लिए इसको यूज़ किया था इसमें। इसके बाद में इस जो भी हमारा सारा सामान था इसको मैंने ग्राइंडर में लेके अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, बहुत अच्छा एक फाइन पाउडर बन जाना चाहिए, ताकि बाद में ये बहुत मोटा दर आपको फील ना हो, इतना फाइन होना चाहिए ताकि आप बस अपने फेस पर या बॉडी पर जब इसको स्क्रब करें तो थोड़ा थोड़ा आपको फील हो, जो आपके डेड सेल्स हैं वो निकल सकें। इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं 2 से 3 महीने तक। ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाइए, अगर आपको बॉडी स्क्रब की तरह यूज़ करना है तो आप इसे ज़्यादा बना के रख सकते हैं। हफ्ते में एक बार अपने डार्कन एरिया पे इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अपने हाथों पर पैरों पर डार्क नीज जो हो जाते हैं, डार्क एल्बोज होते हैं, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ, और अभी मैं आपको फेस पर इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ, मैं इसकी क्वांटिटी सिर्फ 1 चम्मच ले रही हूँ। इसको इस पेस्ट को हमें रोज़ वाटर में बनाना है, रोज़ वाटर में इसलिए ताकि अपने जो आपका फेस है ना वो अच्छे से इसको अब्जॉर्व कर सके, क्लीन कर सके। और लेकिन इसको हमें थोड़ी देर के लिए सोक करके रखना पड़ेगा, ताकि ये जो मसूर दाल और जो हमने ऑरेंज पील इसमें डाला था वो अच्छे से सोक हो जाए, अच्छे से अपना काम दिखा सके, अपना कमाल दिखा सके आपके फेस पर, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको स्क्रब करके दिखाऊंगी किस तरह से स्क्रब करना है आपको। इसको ड्राई स्किन वाले, ऑयल स्किन वाले सब कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में एक स्टेप होगा वो मैं आपको बताऊंगी कि ड्राई स्किन वाले और ऑयली स्किन वालों को क्या फॉलो करना है। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं देखेंगे तो आपसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मिस हो सकती है। तो इस तरह से आपको स्क्रब करना है। इस स्क्रब से आपके जो फेस पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और आपके जो एक्ने, पिंपल, पिगमेंटेशंस जो भी हो जाते हैं वो सारे रिड्यूस होने लगेंगे। आपको कोई भी ब्लीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे फेशियल हेयर भी आपके जाएंगे जिस डायरेक्शन में आपके फेशियल हेयर हो रहा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्क्रब करना है। मेरे फेशियल हेयर नहीं है इसलिए मैं नॉर्मल स्क्रब कर रही हूँ, सिर्फ ब्राइटन के लिए, ताकि जो नेचुरल ग्लो आना चाहिए वो आए। क्योंकि देखिए, आपको 15 दिन में एक बार स्क्रब ज़रूर करना चाहिए, आपके जो फेस में, स्किन में जो डेड सेल्स हो जाते हैं, डेड स्किन हो जाती हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अंदर से निखर के आए आपकी स्किन, आपकी जो अंदर की जो स्किन है वो उभरे, ऊपर से जो डर्ट होता है वो उसे हम निकाल सकें। इसलिए स्क्रब करना बहुत ज़रूरी होता है। सेंसिटिव स्किन वाले बहुत 20 डेज़ में, 1 मंथ में आप कर सकते हैं, ताकि आपके, क्योंकि सेंसिटिव स्किन होने की वजह से थोड़ी सी भी चीज़ अगर आप फेस पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करने लगती है। इसलिए मेरा मानना है कि आप महीने में एक बार करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नॉर्मल स्किन वाले मंथ में 2 बार ज़रूर करें, और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एक बार आप ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपके साथ फेस वॉश जो शेयर किया है उसको आप डेली बेसिस पे यूज़ कीजिए, और टोनर आपके साथ रोज़ राइस वाटर टोनर भी मैंने शेयर किया हुआ है, उसे आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो स्क्रब मैं लेके आई हूँ उसे आप सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक बार यूज़ कीजिए, और जैसे जैसे आप यूज़ करने लगेंगे उसकी जो अभी आप वीक में करते हैं उसके बाद में आप 15 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपना फेस देखिए, जो ग्लो आने लगेगा आपके फेस पे, जो भी
फेशियल आप कराना छोड़ देंगे, आपके ब्लैक हेड्स जो वाइट हेड्स हैं वो सारे अपने आप हटने लगेंगे। कुछ कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो फेस वॉश है वो टोनर है डेली बेसिस पे इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। और जो भी मैंने फेस वॉश आपके साथ शेयर किया है वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और ये जो स्क्रब है वो इस तरह से करना है जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है, इसका इंस्टेंटली रिज़ल्ट आपको दिखेगा। जैसे जैसे आप स्क्रब करेंगे ना उसी टाइम आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें जो बेसन और जो मुल्तानी मिट्टी हमने जो इस्तेमाल किया है उसका काम ही यही होता है, आपको आपके फेस को क्लीन करना, साफ़ करना। बेसन छोटे नवजात बच्चों को भी बेसन से नहलाया जाता है ताकि उनकी स्किन साफ़ हो सके और जो केमिकल है उनसे बच सकें, ठीक है। स्क्रब को करने के बाद में आप अच्छे से फेस को क्लीन कर लीजिए किसी भी क्लोथ से या अपने वाटर से, प्लेन वाटर से आपको इसको वॉश करना है। नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत अच्छे से क्लीन स्टीम हो जाता है आपका फेस। उसके बाद में जो ड्राई स्किन वाले हैं ना उनको ये बादाम शरीन ऑयल यूज़ करना है, अपने फेस पर थोड़ी सी जेंटली मसाज देनी है, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी हमने जो इस्तेमाल की है उससे थोड़ी सी स्किन ड्राई हो जाती है, और जिनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, वो सिर्फ एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन थोड़ी सी हाइड्रेट रहे, नॉर्मल रहे। ये स्टेप आपको नाइट में ही करना है, नाइट में करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। आपको नॉर्मल जेंटली मसाज देनी है, एक तरह से जैसे आप अपने फेस पर क्रीम अप्लाई करते हैं उसी तरह से आपको इसको ऑयल को अप्लाई करना है, और नॉर्मल आपको स्लीप लेनी है जिस तरह से आपको स्लीप लेते हैं। ये स्क्रब आपको ज़रूर पसंद आने वाला है, एक बार, सिर्फ एक बार आपको आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी सारी वीडियोस देखिए, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। थैंक यू।